स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंच गए हैं। इस वक्त एक अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पीएम की स्वामित्व योजना के शुभारंभ में वो शामिल हुए। हरिद्वार कलेक्ट्रेट से शामिल हुए सीएम रावत। पीएम ने योजना के लाभार्थियों से इस दौरान बातचीत भी की। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, हरिद्वार कलेक्ट्रेट से शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की है और हरिद्वार कलेक्ट्रेट से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस दौरान इसमें शामिल हुए। स्वामित्व योजना के शुभारंभ में शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इस खबर पर चर्चा के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, इस दौरान कई लाभार्थियों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है और इस योजना में चरणबद्ध तरीके से देश के कई लाख गांवों के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाने की बात है, तो यहां पर तकरीबन कितने लाभार्थी और कैसे ये योजना उनके लिए काम करेगी? जी देखिए, आज पहले चरण में स्वामित्व योजना के अगर बात की जाए संदर्भ में, तो आज उन्होंने उधमसिंह नगर जनपद कह लीजिए या फिर पौड़ी, और उसके साथ साथ में हरिद्वार के कुछ लाभार्थियों के साथ में बातचीत की है और करीब 8,406 लाभार्थी हैं और करीब 50 गांवों का अलग अलग से आज पहले चरण में इनसे बात की गई है। और जो भी अगर आपको बताएं कि संपत्ति अभिलेख के हिसाब से आज जो मालिकाना हक है उनको दिया गया है, और लिहाजा आज उन्होंने बारी बारी से अलग अलग लाभार्थियों से भी बात की है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार में उपस्थित थे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में वर्चुअल के माध्यम से पीएम मोदी के साथ में उन्होंने जुड़े, और उधमसिंह नगर के 40 परिवार हैं और ऐसे में करीब लगातार ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से पौड़ी के 10 परिवार हैं, तो ऐसे में लगातार पहले से ये चिन्हित स्थान थे और पहले चरण में करीब 50 गांवों को ऐसे चिन्हित किया गया है और उनके लाभार्थियों से आज पीएम मोदी ने और उसका बड़े पैमाने पर लाभ लोगों तक पहुंचे, लाभार्थियों तक सीधे तौर पर पहुंचे, इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है स्टेट और सेंटर का वो अहम रहना बहुत जरूरी है। शुक्रिया अहम जानकारी के लिए। हरिद्वार से अहम खबर, कनकल स्थित हरेराम आश्रम पहुंच गए अब सीएम रावत। जूना अखाड़े के आचार्य से यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है। महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से उन्होंने मुलाकात की है। परिवार के साथ सीएम हरेराम आश्रम पहुंचे हैं। तो महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से परिवार समेत मुलाकात की है सीएम ने। जूना अखाड़े के आचार्य से वो मिलने पहुंचे हैं हरेराम आश्रम, उनका परिवार भी उनके साथ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जूना अखाड़े हरिद्वार कनखल स्थित हरेराम आश्रम पहुंचे हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। रोहित से इस पर अपडेट लेते हैं। रोहित, परिवार समेत मुलाकात की है, क्या अभी ये मुलाकात चल रही है और उसके क्या मायने? मैं बताना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत जी और उनकी पत्नी और उनके बच्चे और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के आश्रम में पहुंचे हैं, जहां एक कमरे में मुलाकात हो रही है और ये माना जा रहा है कि एक कुंड से भी जोड़ के देखा जा रहा है और एक निजी मुलाकात भी है और उनकी एक कमरे में भी बैठक चल रही है, आपस में बातचीत कर रहे हैं अवधेशानंद जी और मुख्यमंत्री और उनका परिवार और साथ में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद है। जी हाँ बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद हैं। क्या सिर्फ ये एक शिष्टाचार मुलाकात है रोहित, या इसके पीछे कई और भी मायने हैं, या इसका कोई रणनीतिक जो है वो मायने हो सकता है? क्योंकि मुख्यमंत्री का निजी एक कार्यक्रम था अपने परिवार के साथ आए, क्योंकि आने वाला कुंभ मेला भी है, कुछ लोग संत लोग नाराज भी हैं कुंभ के काम को लेकर, हो सकता है कि उसको लेकर भी कुछ मुख्यमंत्री या अवधेशानंद जी से बात करें, क्योंकि अवधेशानंद जी आचार्य महामंडल से जूना अखाड़े के जो सबसे बड़ा अखाड़ा कहा जाता है नांगों का, तो अनुमान है कि उस मामले में भी बात होगी। फिलहाल वो एक कमरे में सब लोग बैठे हुए हैं और एक कमरे में बात चल रही है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया रोहित आपका, नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजाजी पार्क की चीला रेंज पहुंचे। शनिवार को रात परिवार के साथ चीला के जीएमवीएन गेस्ट हाउस में वो पहुंचे थे। रात्रि विश्राम के बाद सीएम ने सुबह चीला सफारी ट्रैक का निरीक्षण किया, साथ ही परिवार के साथ पालतू हाथियों को फल भी खिलाए। इस दौरान राजाजी के सभी अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजाजी पार्क के चीला रेंज भी सीएम पहुंचे। यहां पर जो हाथियों का समूह रहता है उनको फल खिलाते हुए वो अपने परिवार के साथ नजर आए। यहां पर लोग आते हैं और
लोग भी काफी आनंद अनुभव करते हैं हाथियों को फल खिलाने में। तो सीएम भी आज यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे, यहाँ की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। बड़ी खबर टिहरी से, विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। कृषि कानून का गलत प्रचार करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस समेत कई अन्य दल कृषि कानून का गलत प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय दोगुनी करना, कांग्रेस बिल को लेकर राजनीति कर रही है। धन सिंह नेगी ने ये आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर कि जो कृषि कानून लेकर आई है केंद्र सरकार, वो दरअसल किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक होगा, लेकिन कांग्रेस इसका दुष्प्रचार कर रही है। भारत सरकार के द्वारा कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020 को पारित करने के बाद देश भर के कांग्रेस के लोग, देश भर के राजनीतिक दल कांग्रेसों को भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मैं टिहरी विधानसभा के विधायक होने के नाते यहां के किसानों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये बिल आपके हित में पारित हुआ है। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अधिकार दिया गया है, डबल मार्केट दी गई है। तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली महिला सायरा बानो भाजपा में शामिल हो गई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया, तो वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि पीएम मोदी की नीतियों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर सायरा बानो भाजपा में शामिल हो गई हैं। पार्टी को उम्मीद है कि सायरा बानो पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नीतियों को देखते हुए, उदारवादी नीतियों को देखते हुए बीजेपी की, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हाल में तीन तलाक की जो कुप्रथा की जंग लड़ी थी, इस कुप्रथा के खिलाफ जो जंग थी उसमें बीजेपी ने ज़्यादा सहयोग था उनका, और मुस्लिम कम्युनिटी को एक कानून दिया, उन्हीं सभी नीतियों को देखते हुए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। माननीय श्री बंशीधर भगत जी ने उन्हें प्रदेश कार्यालय में पार्टी में सम्मिलित किया और आशा व्यक्त की कि जिस प्रकार उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, उसी प्रकार भाजपा की रीति नीति को समाज के बीच में आगे बढ़ाने और विशेष तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं में उसे नीचे तक ले जाने में वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राज्य में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए की जा रही व्यवस्था को नाकाफी बताते हुए नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि अभी चारधाम यात्रा ठीक तरीके से शुरू हुई है, सरकार पर्यटन को देखते हुए श्रद्धालुओं को आमंत्रित तो कर रही है, लेकिन रास्ते खराब और पर्यटकों की व्यवस्थाओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। चारधाम यात्रा मार्गों की हालत भी बेहद खराब है। देखिए, बड़ा दुखद है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो विकास ख़त्म हो जाता है, और मुझे मालूम है कि हरीश रावत ने बड़ी मेहनत की थी केदारनाथ और वहाँ के लिए, क्योंकि मैं दो बार खुद गई थी साथ में। सड़कें भी अच्छी थी, हेलीपैड हेलीकॉप्टर बड़े बड़े बनाए गए थे ताकि सामान भी उतर सके, और अभी तो ये ऑल वेदर रोड का जो इतना प्रचार हो रहा है, अब जो लोग गए हैं वो वहाँ बता रहे हैं काफ़ी तकलीफ़ है, और जब हम गए थे उस समय तो आधी अधूरी थी लेकिन तकलीफ नहीं थी। रुद्रपुर से अगली खबर आ रही है, आईपीएल में सट्टा लगाते तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं। पांच सितारा होटल से तीनों की गिरफ्तारी हुई है। 40,000 कैश समेत कई फोन भी बरामद किए गए हैं। तो एक 5-स्टार होटल से तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोप है कि ये तीनों सट्टा लगा रहे थे और इनके पास से 40,000 रुपए कैश और कई फोन भी बरामद किए हैं पुलिस ने। तो पुलिस ने सटोरियों के एक गिरोह को पकड़ा है 5-स्टार होटल से, जिनके पास से 40,000 कैश समेत कुछ मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। रुद्रपुर की यह घटना है जहां आईपीएल में सट्टा लगाते हुए तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं। नैनीताल के भीमताल में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने जुलूस निकाला और केंद्र और राज्य सरकार के सामने कई मांगे रखी। भीमताल में आप कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की, सीडीओ को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने महिला उत्पीड़न को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई है। इस दौरान कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कृषि विधेयक पर कांग्रेस ने किसानों के अंदर भ्रम फैलाने का काम किया है। किसानों के अंदर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया है
कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसको कम किया जा रहा है या उसको नहीं बढ़ाया जा रहा है, ऐसी बात भ्रम की स्थिति है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कहीं से भी कम करने की बात नहीं है। पूरी तरह से जो नया बिल आया है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरी तरह से लागू किया जाएगा। तो हिंदुस्तान के अंदर सारे किसानों ने उसको अपनाया है, उसको एक्सेप्ट किया है, कहीं पर कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है। ये बिल किसानों की स्थिति को और अच्छा करने वाला है। बागेश्वर से अगली खबर, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कपोट थाना पुलिस को सफलता, वन्य जीव तस्करी के एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल भालू की 230 ग्राम पित्त, 23 ग्राम कस्तूरी बरामद की गई है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1 करोड़ के करीब है। आरोपी के खिलाफ कपोट थाने में अब वन्य जीव संरक्षण की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, विस्तार से बताइए पूरी जानकारी। हाँ देखिए, पुलिस को जिले में काफी सफलता मिली है। लंबे अरसे से सूचनाएं मिल रही थी कि तस्करी की यहाँ संभावना है, तस्कर काफी सक्रिय बताए जा रहे हैं। कपूर थाने ब्लॉक की घटना है, जहाँ एसओजी की टीम जिले की और थाना कपूर की टीम को सफलता मिली है। पोलिंग तिराहे पर एक टैक्सी ड्राइवर को जीव जंतुओं की भालू की पित्ते और कस्तूरी के जो माल बरामद किया गया है उसमें बड़ी सफलता मिली। जो बताया जा रहा है इनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत वो 1 करोड़ से ऊपर आती जा रही है। और इस पर पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने भी पूरी टीम को इनाम की घोषणा की है और बधाई दी है। और इस आरोपी को वन्य जीव अधिनियम की धारा 2/9, 39/49 बी और 51(2) और वन्य जीव अधिनियम 1972 के मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। और लगातार आगे भी कार्रवाई ऐसी चलती रहेंगी, क्योंकि कस्तूरी मृग का जो ये मामला है जिले में जनपद में पहला है और इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की टीमें भी अलर्ट हैं। एसओजी की टीम की काफी यहाँ पर सराहना की जा रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया। तो टीम की काफी सराहना की जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ के पशु अंग जो है वो जिसकी कीमत आंकी जा रही है। रुड़की तहसील में तैनात तहसीलदार सुनैना राणा और उनके ड्राइवर अर्दली की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि देर रात वो नैनीताल से वापस लौट रहे थे और लौटते वक्त नजीबाबाद में उनका वाहन नहर में समा गया। तहसीलदार की मौत के बाद वहां काम करने वाले कर्मचारियों में गम का माहौल है। एक PRD जवान तो मौत की खबर सुनने के बाद फफक फफक कर रो पड़ा। कुछ भी समस्या हुई, कुछ भी परेशानी हुई, मैडम हमें खाना तक पूछती थी कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है। हमें बहुत दुख है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। मैडम को क्या कह रहा, हम चाहते हैं दर्द से निवारण हो जाओ मैडम, कुछ कह नहीं सकता। इसके लिए क्या कह दो मैडम। तो पूरे स्टाफ में गम का माहौल है। इतना ही नहीं, कई स्टाफ कर्मी तो उनकी बातें याद करके रो पड़ते हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं उस नहर की, तेज बहता ये झरना जहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ये गाड़ी इस नहर में डूब गई जिसके बाद तहसीलदार की मौत हो गई। देर रात नैनीताल से लौटते वक्त ये हादसा हुआ जहाँ, और ये वो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसे क्रेन के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है। तो PRD का जवान, तहसीलदार, दोनों की मौत हो गई इस हादसे में। नैनीताल से वो वापस लौट रहे थे लेकिन नजीबाबाद के पास इस नहर में गाड़ी डूब जाने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। और बड़ी खबर, दो अलग अलग घटनाओं का खुलासा। अंतरराष्ट्रीय सट्टा गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 5 लाख रुपए, 2 लग्जरी कार के साथ गिरफ्तारी हुई। पटेल नगर में लूट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तो अंतरराज्यीय सट्टा गिरोह पकड़ा गया है और इनके पास से 5 लाख रुपए, 2 लग्जरी कार बरामद हुई है। गिरोह के 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पटेल नगर में लूट के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, यानी पुलिस को 2 अहम कामयाबी मिली है। एक तरफ लूट के मामले में आरोपी पकड़ा गया तो एक अंतर्राज्यीय सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया पुलिस ने, जिसके 4 लोग पकड़े गए और लूट के मामले में एक और आरोपी पकड़ा गया है।
उधर चमोली में सुबह सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ के नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग पर एक वाहन सेरा गांव के पास खाई में जा गिरा। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 7 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खाई से घायलों को रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाट में भर्ती कराया, जहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अंदर जाओ, वहां से लॉक खोलना उसका। बड़ी खबर रामनगर से, पुलिस के साथ हुआ नाटकीय ड्रामा। एक कांस्टेबल का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। अपहरण की जानकारी पर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के पास से बरामद किया कांस्टेबल। अज्ञात लोग दिल्ली पुलिस के निकले अधिकारी। कांस्टेबल के बारे में वांटेड अपराधी संबंध की थी सूचना। दानिश हमारे साथ जुड़ गए। दानिश, विस्तार से समझाइए, ये क्या मामला है पूरा? देखिए, मैं आपको बता दूं, देर रात एक सिपाही को रामनगर से कुछ लोग अपनी गाड़ी में भर के ले जाते हैं, जिसकी सूचना होमगार्ड रामनगर कोतवाली को देता है और बताता है कि सिपाही का अपहरण कर लिया गया है, जिसके बाद रामनगर पुलिस सतर्क होती है और रामनगर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगा दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। तब कहीं जाकर के ये गाड़ी काशीपुर के आसपास बरामद की जाती है, जिसमें तकरीबन 8-10 लोग सवार थे और उन्होंने इस सिपाही को पकड़ रखा था। पुलिस इनको पूछताछ के लिए रामनगर कोतवाली ले आती है। वहां लाकर के जब इनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि ये लोग दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे और इस सिपाही के संपर्क में कोई अपराधी था जो दिल्ली से वांटेड है और उसको पकड़ने के लिए यहां पर आए थे और इस सिपाही के संपर्क में होने के कारण इस सिपाही को उठाया गया था। इसे पूरा मामला देर रात तक चलता रहा, जिसके बाद अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। पूरे मामले पे कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला उत्तराखंड पुलिस से है। उत्तराखंड पुलिस के जवानों पे लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे कि अपराधियों से उनकी सांठ गांठ है, लेकिन पुलिस इसको सिरे से नकारती रही। लेकिन इस मामले के होने के बाद कहीं ना कहीं पुलिस अब इस जो सिपाही है इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर ये सिपाही को क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उठाया, वहां पर इसकी ड्यूटी नहीं थी, अपनी ड्यूटी छोड़ करके दूसरी जगह पर जाकर के खड़ा हुआ था, जहां से इसको क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने उठाया है। जी बिल्कुल, तो मामले में सब कुछ उतना पारदर्शी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, इसकी गहनता से जांच करनी होगी, लेकिन कुल मिलाकर एक नाटकीय ड्रामा जरूर हुआ पुलिस के साथ। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दानिश। उत्तराखंड के पहाड़ एक बार फिर से सुलग उठे हैं। कर्णप्रयाग के पिंडर की घाटी में जंगलों में आग लग गई है, जिसके चलते कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक हो गई। वहीं वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। कर्णप्रयाग पिंडर घाटी के जंगलों में आग लगी हुई है और पिंडर रेंज के जंगलों में जबरदस्त तरीके से आग लगी है। आप देखिए तस्वीरों में धुआं उठता दूर तक आप देख पा रहे होंगे। कई हेक्टेयर वन संपदा इस दौरान जलकर खाक हो गई है और वन्य जीवों के अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। उत्तरकाशी जिले से महज 6 किलोमीटर दूर बाड़ाहाट रेंज के तहत साल्ट गांव में जंगल में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना जगन्नाथ मंदिर के पास हुई। ये आग इतनी तेजी से फैली कि कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। तो जिले से 9 किलोमीटर दूर ये आग लगी, बाड़ाहाट रेंज के जंगलों में आग लगी है। ग्रामीण खुद ही जतन करते नजर आए इस आग को बुझाने के लिए। तो देखिए आप किस तरह ये आग सुलग रही है और बड़ी बड़ी टहनियों से कुछ ग्रामीण मिलकर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास यही कि दूर तक ना फैल जाए और जंगल को कहीं अपनी चपेट में ना ले ले। इससे बहुत बड़ा नुकसान वन्य संपदा का और पर्यावरण का होगा, वन्य जीवों का हो सकता है। और अब एक बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंचे हैं। किसान बचाओ खेती बचाओ रैली कर रहे हैं प्रीतम सिंह और प्रतिभाग लाल ढांग के गांधी चौक से ये रैली शुरू हुई है। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हरिद्वार पहुंचे हैं, किसान बचाओ रैली वो कर रहे हैं। किसान बचाओ खेती बचाओ का नारा है और खबर है कि लाल ढांग के गांधी चौक से रैली शुरू हो चुकी है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत